नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार सोनार है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग में, RN टैगोर हॉस्पिटल मुकुंदपुर कोलकाता। आज मैं आप लोगों से लिवर ट्रांसप्लांटेशन के संपर्क में कुछ सारी तथ्य बताना चाहता हूँ। लिवर ट्रांसप्लांटेशन या यकृत प्रतिस्थापन एक ऐसा सर्जरी है जिसके द्वारा जो सब मरीज लिवर की बीमारियों के एंड स्टेज में सफ़र कर रहे हैं, उनको हम लोग एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। ये दो प्रकार से संभव है। हम लोग किसी मृत प्राय व्यक्ति, जिसे हम ब्रेन डेड कहते हैं, उनसे लिवर ले सकते हैं, या फिर परिवार का कोई सदस्य अपना लिवर का एक अंश पेशेंट के लिए दान दे सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मृत प्राय व्यक्ति से हम लोग अंग कैसे ले सकते हैं। मृत प्राय व्यक्ति वो होते हैं जिनको किसी कारण की वजह से ब्रेन स्टेम फंक्शन इंटैक्ट नहीं रहता है। ये जनरली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम आम भाषा में स्ट्रोक कहते हैं, उसके उपरांत ब्रेन स्टेम फंक्शंस पूरी तरीके से लुप्त हो जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हम, अगर परिवार के सदस्य राजी हों, तो सारे अंगों को निकाल के कई सारे मरीजों में उनको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि उनके जीवन में उनका जीवन बच सके। इसमें से एक अंग है लिवर, जो कि पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, और फिर इसे हम दूसरे किसी मरीज जिसको लिवर की ज़रूरत हो, जो एंड स्टेज लिवर डिजीज से आक्रांत, उनको हम लोग ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, या जिसे हम कह सकते हैं जीवित व्यक्ति से लिवर का एक अंश लेकर उसे किसी मरीज में प्रतिस्थापित करना। तो जनरली ये परिवार के ही कोई सदस्य होते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, या फिर पुत्र या फिर पुत्री, या हस्बैंड वाइफ, या फिर सेकेंड डिग्री रिलेटिव, जैसे कि इन लॉज हो सकते हैं, या फिर चचेरे भाई, मौसेरे भाई। ये जो संपर्क है, इस संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं, वो भी लिवर का अपना एक अंश दान कर सकते हैं। लिवर का जनरली 60% अंश जो है वो दान किया जा सकता है, और इसे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जो 40% भाग लिवर का डोनर के शरीर में रह जाता है, वो उसके जीवन के लिए पर्याप्त होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लिवर अपना आकार पुनः रूप से जिस प्रकार का वो पहले था, यानी कि 100%, वो करीब करीब एक साल के अंदर ये संभव हो जाता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें पुनः ग्रो करने का एक पोटेंशियल है। इस प्रकार से लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, और इससे एक व्यक्ति की जीवन को बचाया जा सकता है। जिन कारणों से एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख कारण होता है मदिरा पान करना। इसके अलावा अभी एपिडेमिक के रूप में जो सामने हमारे आ रहा है, वो है फैटी लिवर डिजीज़, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये अभी आने वाले समय में एक प्रमुख कारण बनेगा, और मेरे हिसाब से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ से भी ऊपर ये चला जाएगा प्रमुख कारणों में, जो लिवर, जिसकी वजह से लिवर ख़राब होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से भी लिवर की बीमारी हो सकती है, और हेपेटोसेलुलर कैंसर, यानी कि लिवर कैंसर की वजह से भी लिवर ख़राब होता है, एवं इसमें प्रतिस्थापन करनी पड़ सकती है।